हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरिंग आइज। कैसे हैं आप लोग? इतने दिन से आप सब हमारे साथ नॉर्वे घूम रहे हैं, तो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। नॉर्वे रोड ट्रिप हमारा एपिसोड 6 के साथ ख़त्म हो चुका था एंड उसके बाद एक दिन के लिए हम ओस्लो में हैं। सो इस वीडियो में आपको हम घुमाएंगे ओस्लो हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा अगर नॉर्वे रोड ट्रिप सीरीज़ नहीं देखा है तो मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे उस प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी, प्लीज़ जाके देखिए। वी हैव पब्लिश्ड 6 एपिसोड्स फ्रॉम आवर एपिक रोड ट्रिप इन नॉर्वे एंड आई थिंक आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे बिकॉज नॉर्वे है ही इतना खूबसूरत। हमने वैसा ही कैप्चर किया है जैसे हमने अपनी आंखों से देखा है। बट येस, नो फोटोज और नो वीडियोज कैन जस्टिफाई द ब्यूटी दैट वी सॉ थ्रू आर नेकेड आईज। बट एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को नॉर्वे हमारी आंखों के थ्रू दिखाने की। तो इस वीडियो के लिए हम चलेंगे ओस्लो घूमने और एज यूजुअल आपको भी लेके साथ चलेंगे। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओस्लो। आज हमारे पास अराउंड 4-5 आवर्स टू एक्सप्लोर ओस्लो। तो हम जा रहे हैं 2 या 3 जगह, बेसिकली ओस्लो सेंटर जाएंगे। चलो और को क्रॉस करो पहले। हम जाएंगे ओस्लो सेंटर, सेंटर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे रॉयल पैलेस और ओस्लो ओपेरा हाउस। 4-5 आवर्स ओस्लो के लिए बहुत कम है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि आज शाम ही हम चले जाएंगे एम्स्टरडैम। सो लेट्स गो। करते आ चुके हैं ऑलमोस्ट उस लोगों के सिटी सेंटर पे एंड यहाँ का सिटी सेंटर पे काफ़ी हसल बसल है तो ट्राम सर्विसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने का बहुत सारे ट्राम्स देखे जाते हुए एंड ऑलमोस्ट बैक टू बैक ट्राम्स थे। आई थिंक दिस इज अ सिटी सेंटर, देर इज़ अ स्टॉप कॉल स्टोरगाटा, पॉसिबली 200-300 मीटर पीछे होगा स्टोरगाटा स्टॉप। सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज द स्टोरगाटा सेंटर एंड पीछे बहुत ही सुंदर सा चर्च है आप देख सकते हो एंड यहाँ पे काफ़ी फेमस ब्रांड्स के शॉप्स हैं और लुक्स लाइक अ प्रॉपर सिटी सेंटर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways. So, अभी हम खड़े हैं ओस्लो के सिटी सेंटर पे, स्टोरगाटा बोल के एक स्टॉप है। हम लोग चल के आए हैं अपने होटल से। दिस इज़ अ प्रॉपर सिटी सेंटर, आपको पीछे दिख रहा होगा फ्लावर मार्केट है, काफ़ी बड़ा फ्लावर मार्केट है। यहाँ पे ऊपर में क्रिश्चियन फोर का एक स्टैचू है एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो सी अ चर्च एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो हमें अच्छा लगा ये 2 स्ट्रीट फूड स्टॉप्स है। हेलो सुंदर, हम अभी जा रहे हैं द रॉयल पैलेस एंड रॉयल पैलेस की ओर हमें जाना है ये ब्यूटीफुल सा पार्क क्रॉस करके। सबसे अच्छी बात ओस्लो की क्या है बताओ, जितना ही ये प्रॉपर सिटी है उतना ही ज़्यादा ग्रीन है। बट आई थिंक वो आई एम नॉट श्योर बट यूरोपियन सिटीज़ की यही खासियत है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्क्स इन ओस्लो हियर जो हम क्रॉस करेंगे इन द रॉयल पैलेस जाने के लिए। लेट्स गो। तो अब हम पहुंच चुके हैं द रॉयल पैलेस। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर से वीडियो ले रहे हैं, पास जाके देखते हैं। शुड बी एन ऑसम ऑसम आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर है ही बहुत फेमस एंड काफ़ी भीड़ लग रहा है और को राइट काफ़ी भीड़ है यहाँ। वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब बारिश हो जाए भगवान जाने
इट्स एन ओवरकास्ट कंडीशन टुडे, होपफुली बारिश ना हो और हम घूम पाए। सो अभी हम खड़े हैं अभी ऑस्लो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग पे, ये रॉयल पैलेस ऑफ नॉर्वे है। यहाँ पे किंग एंड क्वीन भी रहते हैं एंड सारे हेड ऑफ द स्टेट्स यहीं पे होते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होता है या फिर जो किंग एंड क्वीन का लंच एंड डिनर मीटिंग्स भी होते हैं सारे यहीं पे होते हैं। तो आई थिंक 1825 में कार्ल यूहान ने ये बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन लेट किए थे एंड 1849 से ये ऑपरेशनल है। फर्स्ट किंग इसका ऑस्कर वन थे एंड ये नॉर्वे का जो मेन स्ट्रीट है कार्ल यूहान्स गेट जो जिसको बोलते हैं उसी के एंड पे सिचुएटेड है। सो वी आर वॉकिंग इन द कार्ल यूहान स्ट्रीट। हम जब आए थे एयरपोर्ट से तो हम कार्ल यूहान स्टेशन पे ही उतरे थे और हमें काफ़ी बसिंग सिटी सेंटर लगा था और काफ़ी अच्छा लगा था। सो नाउ वी आर बैक हियर बिकॉज हमें लेने हैं थोड़ी सुविनियर्स और हमने देखा कि यहाँ पे वेन और बोल के एक सुविनियर शॉप है विच इज़ नाइस रीजनेबल होपफुली रीजनेबल। तो हम जा रहे हैं वहाँ टू सी, लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग। तो अगर हम फाइनली आए हैं वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डाउनटाउन ऑस्लो जो कार्ल यूहान्स गेट बोल के है एंड इन दैट स्ट्रीट वी सी क्वाइट अ फ्यू टूरिस्ट एंड पीपल वॉकिंग अराउंड। काफ़ी ऑफिसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और स्ट्रीट फूड कैफे ऑप्शन है, पीपल आर ईटिंग आउट एंड क्वाइट अ फ्यू ऑप्शन एंड अपोजिट साइड पे आई थिंक नेशनल थिएटर है। It looks one of the most happening streets in Oslo. So, अभी हम लोग बैठे हैं ऑस्लो ओपेरा हाउस के ठीक सामने, हम जाएंगे उसके अंदर बट उसके पहले ये पीछे वाटर फ्रंट है एंड ये ओपेरा हाउस काफ़ी फेमस है ऑस्लो का एंड इट्स स्टार्टेड फंक्शनिंग 2008 एंड अपोजिट में आपका सेंट्रल स्टेशन है एंड लोकेशन वाइज इट्स वेरी प्रीमियम। आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेस कॉन्सर्ट्स एंड अदर इवेंट्स होते हैं। द गुड पार्ट इज ये जो नॉर्मल फ्लोरिंग है ये दैट स्ट्रेच टू द रूफ टॉप, तो हम रूफ टॉप तक जाएंगे, वहाँ से पूरा सिटी का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है हमने सुना है। लेट्स सी। Thank you.
ऑस्लो ट्रिप नॉर्वे ट्रिप कम्स टू एन एंड लास्ट डे ऑस्लो ऑस्लो साइट सीइंग ऑल्सो डन और को एनी थॉट्स सो द थॉट इज ये काफ़ी हमारा लॉन्ग ट्रिप था आई थिंक वी कांट रिमेंबर लास्ट टाइम कब हम इतना स्लो ट्रैवल किया है तो आई थिंक इट वॉज टू वीक्स इट वॉज क्वाइट अ लॉट एंड नॉर्वे बकेट लिस्ट में था काफ़ी टाइम से सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ बकेट लिस्ट चेक फॉर अस ऑस्लो इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर वी हैव अ फ्लाइट अराउंड सेवनिश वी हैव अ फ्लाइट एंड देन फ्रॉम देयर विल गो टू एम्स्टर्डम and have couple of days in Amsterdam to see let's see how that fares out but overall we like Norway but sceneries road trip bahut hi acche the and Oslo as a city also we liked quite a lot so ऊपर में लिखा हुआ ना L13 हाँ वहाँ पे ओके सो दैट्स द बोर्ड यहाँ पे वी हैव टू टेक R11 424 वो है हमारी ट्रेन जो हमें लेनी है R11 एड्स वॉल तक जो 624 पे आएगी एंड दिस गोज वाया एयरपोर्ट एयरपोर्ट जाने के लिए नॉर्मल ट्रेन्स भी हैं एंड ये एक ट्रेन है ये फ्लाइट टू गेट की ट्रेन है जो सिर्फ डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट है बट ये 30-40 क्रोनास एक्स्ट्रा आती है बट यू नो दैट दिस ट्रेन विल फॉर श्योर गो टू एयरपोर्ट बट हमने ये ट्रेन नहीं लिया है हमने नॉर्मल ट्रेन लिया है विच इज़ द वो VY दिख रहा है आपको वो VY ट्रेन्स है एंड VY ट्रेन्स में ओनली कुछ ट्रेनें हैं जो एयरपोर्ट जाती है एंड यू नीड टू फाइंड आउट विच वन सो हमारी है R11 यू सी R11 दिस ट्रेन विल गो टू एयरपोर्ट ये पता करना पड़ेगा सो जहाँ तक हमने पता किया था R11 L12 और एक और कोई हाँ एस ऑस्लो एयरपोर्ट दिखा सो और कोई ट्रेन है जो जाएगी सो वी टुक दी R11 वन और ये हमारी ट्रेन आ गई वी हैव टू बोर्ड जस्ट फॉर द एयरपोर्ट डियर नॉर्वे यू वर मैजिकल वी ड्रीम्ड ऑफ सीइंग यू एंड आवर ड्रीम्स केम ट्रू यू हैव बीन द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ आवर लाइव्स सो सीरीन pristine, cheerful and soulful. We lost our hearts in one of your fjords. Thank you for giving us this opportunity to embrace your beauty, to fall in love with you. The kind of love which is eternal. We go back content and overwhelmed with so many memories you've sent. See you soon, Norway. We'll come back, my friend.